shadows in my room. Can't take back the love that I gave me. It's to the point where I love and I hate you. And I cannot change you, I must replace you. You see you said none, I thought you were the one. Listening to my heart instead of my head. You find another one, but I understand one. I won't let you forget me, forget me. गाइस तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 360 डिग्री ग्लोबल के बारे में। सो गाइस काफ़ी सारे बंदे बहुत दिनों से बोल देते भाई 360 डिग्री ग्लोबल का ट्रिक ले गाओ, जो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो करने में, सब बंदे उसे कर सकें। तो बस आपकी डिमांड के लिए ही मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। एंड गाइस अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी कमेंट कर देना। एंड गाइस आज की जो ट्रिक बताने वाला हूँ ये काफ़ी ज़्यादा ईजी ट्रिक बताने वाला हूँ, एंड हर कोई बंदा इस ट्रिक को कर सकता है। एंड गाइस इस ट्रिक के एडवांटेज के बारे में मैं आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी को पहले से पता है इस ट्रिक का एडवांटेज कितना ज़्यादा है। बस गाइस मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि आप इसको ठीक तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं। एंड गाइस अगर आपको इसको परफेक्ट तरीके से यूज़ करना आ गया, तो गाइस सामने चाहे चार बंदे हो, पाँच बंदे हो, दो बंदे हो, एक बंदे हो, कितने ही बंदे हो, गाइस आप उसको ईजिली हैंडल कर लोगे। बट गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस कर देना, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो गाइस चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट की बात हम करते हैं। तो गाइस फर्स्ट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे आपके पास होना चाहिए हाई सेंसिटिविटी वाला डिवाइस। अब गाइस ऐसा नहीं है कि आपके फ़ोन में हाई सेंसिटिविटी नहीं है तो आप स्ट्रिक को नहीं कर सकते। गाइस बिल्कुल कर सकते हो, बट जो स्टेप मैं आपको बताऊँ उसको आपको फॉलो करना होगा। सो गाइस देखो, जिसके पास हाई सेंसिटिविटी वाला डिवाइस है, लो सेंसिटिविटी वाला डिवाइस है, उनको जनरल दोनों को, जिसके पास हाई है लो है, दोनों को 100 करना है। जनरल को आपको 100 ही कर लेना, चाहे आपका फ़ोन 8 GB रैम को, 2 GB रैम को, 1 GB रैम को, 6 GB रैम को, जनरल को एकदम 100 कर देना है। 100 करने के बाद क्या, जिसके पास 4 GB रैम तक का मोबाइल है उनको जाना है DPI में, एंड अपने फ़ोन की जो DPI है उसको गाइस थोड़ा इंक्रीज कर लेना है, 50 से 100 ऐसे इंक्रीज कर लेना है। 100 से ज़्यादा तो आप कभी मत करना, क्योंकि आपके फ़ोन को प्रॉब्लम हो सकती है। एंड गाइस ये बात तो हो गया आपको सेंसिटिविटी सेटिंग DPI के, अगर आपको सेंसिटिविटी सेटिंग DPI क्या रखना है, बात करते हैं कस्टम HUD की। तो गाइस जो कस्टम HUD में वैसे तो आपको चेंज करना नहीं है, बस आपको करना क्या है, जहाँ पर सेटअप वाला बटन है ना गाइस, उसका साइज को ना बड़ा कर देना है, मतलब 100 कर देना है पूरा, 90 से लेकर 100 के बीच में आप उसको रख सकते हो। एंड अगर बात करें फायर बटन साइज की, काफ़ी सारे बंदे मुझसे पूछते हो फायर बटन साइज भाई क्या रखें, तो देखो फायर बटन का साइज ना चाहे छोटा रखे करो, छोटे रखोगे चाहे आप ऊपर ड्रैग करोगे ना नीचे लेकर आने में भी जल्दी से हो जाएगा वो, इसलिए फायर बटन का साइज आपको 45 से लेकर 55 के बीच में रख लेना है। एंड 45 से नीचे आप रख सकते हो, 40 से नीचे मत रखना, क्योंकि फिर कभी कभी क्लिक भी नहीं होता है। तो गाइस यही था कस्टम HUD सेंसिटिविटी सेटिंग का। सो चलो गाइस अब हम बात करते हैं कि आप आखिर फास्ट ग्लोबल कैसे लगा सकते हैं 360 डिग्री। बट गाइस पहले हम इस बंदे को देख लेते हैं, इस बंदा बहुत देर से परेशान कर रहा था, इसको हम मार सकते हैं नहीं, ये हमने मार दिया। सो गाइस इस क्लिप को ध्यान से देखना, इस क्लिप में मैंने क्या किया था, जैसे मैं इस बंदे को वन शॉट मारूंगा तो गाइस यहाँ पे देखना उसके बाद मैं क्या करूँगा। उसके तुरंत बाद मैंने ग्लोबल वाले बटन एंड सीटअप वाले बटन पर एक साथ प्रेस कर दिया। एंड गाइस आपको भी ऐसे ही प्रेस करना है, जैसे आप अपने एम को जब नीचे लेकर आ रहे होते हो, उसके बाद गाइस आपको करना क्या है, आपको जो राइट फायर बटन है उसको गाइस लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ ड्रैग कर देना है, मतलब जिस तरफ भी बंदा है उस तरफ उसको ड्रैग कर देना है। तो यहाँ पे मैं लेफ्ट की तरफ यहाँ पे देखना ड्रैग करूँगा, तो अगर यहाँ पे मेरे 360 डिग्री ग्लोबल ईजिली लग जाए, बस आपको 3 बार ड्रैग कर देना है, जैसे गाइस मैं आपको अब दिखाऊँगा। सो गाइस यहाँ पे देखना कैसे मैंने ड्रैग किया 3 बार, तो गाइस देखो मेरा पूरा पैकअप हो गया था, थोड़ी जगह मैंने छोड़ दी थी निकलने के लिए। सो गाइस ये कुछ सिंपल सी ट्रिक थी जिससे आप फास्ट ग्लोबल लगा सकते हो। बस गाइस आपको जो ड्रैग वाला बटन लगा है उसको फास्ट आपको ड्रैग करना है, जितनी फास्ट ड्रैग करोगे उतनी फास्ट आपका ग्लोबल लगेगा। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।